अस्सलामुअलैकुम। आज मैं बना रही हूँ खिचड़ा। तो मैंने क्या करी हूँ, 200 ग्राम घी ली हूँ, पौना किलो मैंने घूस ली हूँ, पाव किलो दाल है इसमें, तुवर मसूर दोहली मूंग की दाल, उड़द की दाल, चने की दाल ये मैंने ली, और इसमें थोड़ा चावल भी डाल दी थी। ये 150 ग्राम छोले ली हूँ, ये 150 ग्राम क्या बोलते हैं इसको अपना जौ ली हूँ, ये ली हूँ। और मैं कांदा इसमें 5 कांदा काटी थी, आधा कांदा इसमें मैंने बघारने ली और आधा कांदा मैंने फ्राई करके निकाली हूँ। तो मैं आपको बताती हूँ मैं खिचड़ा किस तरह बनाती हूँ अपने स्टाइल में। आप मुझे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। देखो ये कांदा अपना अब ब्राउन हो गया। अब मैं डालूँगी इसके अंदर गोश्त डालती हूँ, गोश्त डाल के थोड़ा गोश्त को भूनूंगी। इसमें थोड़ा नमक डाल दूंगी, इसमें मैं 1 चम्मच नमक डालूंगी। अब ये नमक डाल के थोड़ा भून के फिर मैं सारे मसाले डाल के भूनूंगी। अभी मैं इतना भून रही हूँ, अब मसाले बाद में डाल के भूनूंगी। अभी मैंने 1 चम्मच जो टी स्पून है वैसा भर के मैंने 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाली। अब मैं इसको थोड़ा भूनूंगी, बाद में सारे मसाले डालूंगी। देखो गोश्त का पानी भी सूखा और अदरक लहसुन भुनेंगे। अब मैं इसमें सब मसाले डालूंगी जो मैं आपको बताती हूँ। देखो ये 1 चम्मच भर के मैंने जीरा पाउडर डाली, धनिया पाउडर डाली हूँ सॉरी, ये और आधा चम्मच डालती हूँ क्योंकि अपना खिचड़ा है इसीलिए। और ये डाल रही हूँ मैं हल्दी पाउडर, देखो घर के डाल रही हूँ यानी पौना डाल रही हूँ। और फिर डाल रही हूँ मैं ये जीरा पाउडर डालूँगी, इसके चम्मच छोटे हैं इसके लिए मैं ज़्यादा डालूँगी। देखो कितने छोटे चम्मच है, इसमें मैं 2 चम्मच डालूँगी। और अब मैं डालूँगी मिर्ची पाउडर डालूँगी, जो मैं हरी मिर्ची नहीं डाल रही हूँ इससे मैं देखो ये भर के ऐसा 1 चम्मच ये आधा चम्मच डालू। अब मैं डालूँगी इसमें गरम मसाला डालूँगी, जो गरम मसाला हमको ऊपर भी डालना है इसलिए हम ज़्यादा नहीं डालेंगे, उसमें गरम मसाले की बात है। ये देखो ये इतना ही डालूँगी। और इसके बाद मैं डालूँगी टमाटर, ये मैंने काटी थी 3 टमाटर काटी थी जो मैं अभी 3 टमाटर डाली। अब इसको सबको हम अच्छा से भूनेंगे, भून के फिर अपने को जितना जैसा है 1 चम्मच 2 चम्मच पानी डाल के इसको हम छड़ा देंगे। तो देखो मैं इस तरह भून रही हूँ, इस तरह मैं देखो भून रही हूँ। आप भी ऐसा भूनिएगा, अच्छे से भूनेंगे ना तो अच्छा खाना बनता है। इसके बाद में गेहूँ को भी चढ़ाना है, मुझे गेहूँ को बहुत टाइम लगता है बाकी उसको भी मुझे चढ़ाना है। अब मैं आपको बताती हूँ, देखो इस तरह मेरा खिचड़े का मसाला हो गया है। और अभी मैं ये डालूँगी जो मैंने आपको बताई नहीं, बताती हूँ। ये मैंने ली थी खिचड़ा मसाला, क्या ये मैं डाल रही हूँ इसके अंदर। अभी ये मैंने खिचड़ा मसाला डाली हूँ, मेरा हो गया है खाली। अभी थोड़ा सा गेहूँ पकना है, वो भी पक गया है। और थोड़ा सा हम इसमें बेसन डालेंगे, थोड़ा इसमें बेसन डालेंगे, ठीक है। देखो मैंने इस तरह अपना बनाई हूँ। ये मैंने दाल गला के रखी हूँ, ये मैंने जौ और चावले गला के रखी, और ये गेहूँ गल गया। ये देखो ये मेरा खिचड़ा बन चुका है, अब मेरा पूरा मुकम्मल हुआ। अब मैं खाने बैठूँगी और खाने को अब मैं मिलती हूँ आपको अच्छी और नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।